प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया यानी कि भर। चलिए आज जानेंगे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है, आप हिंदी ग्रामर का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, वर्ण, सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आपने वीडियो देखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं क्रिया। क्रिया यानी कि काम। क्रिया यानी कि हम अपने भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो काम। तो क्रिया का परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा इस प्रकार होगा कि जिससे काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझें, तो एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाता है, वह खाता है, तो वह क्या कर रहा है, तो वह खा रहा है, तो ये क्या हो, ये काम हो गया। क्या हो गया? वह ये काम हो गया। इसी प्रकार से तुम रोते हो, अगर हम बोले तुम रोते हो, तुम रोते हो, तो यहाँ पर क्या, रोना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, एक काम हो गया। तो यहाँ पर जो है ये क्रिया हो गया जिसमें काम को होने का बोध हो रहा है, तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिख देंगे। परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा, वह खाता है, तुम रोते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं खुद से। जैसे राम जाता है, तो जाना क्या हो गया, जाना हो गया एक क्रिया। मोहन दौड़ता है, तो दौड़ना भी एक क्रिया हो गया। तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से अब जानेंगे। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कैसे कहेंगे और अकर्मक क्रिया कैसे कहेंगे? तो सकर्मक क्रिया ऐसे क्रियाएं होते हैं जिसमें हम अगर सवाल पूछें, क्या करके सवाल पूछें, तो उसका जवाब सही सही मिलता है। अगर बात समझ नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिखते हैं कि राम आम खाता है, ऐसे लिख दिया मैंने, राम आम खाता है, तो अगर हम इसमें हम यह सवाल पूछे कि राम क्या खाता है, तो आंसर आएगा आम खाता है। राम अगर हम पूछे राम क्या खाता है, तो आंसर आएगा कि राम आम खाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम घर जाते हो, यहाँ पर भी हम सवाल पूछे कि तुम कहाँ जाते हो, तो घर जाते हो, यहाँ पर क्या हो गया, घर। तो सहायक क्रिया वो होता है जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्म में ऊपर पड़े, मतलब साधारण भाषा समझे तो जिसमें सवाल करने पर जवाब जो है मिल जाए, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखा है, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि हम ऐसा सवाल पूछे कि वह क्या खाता है, तो एग्जाम्पल में हम आंसर में उसका सवाल का जवाब मिल जाए, तो राम आम खाता है। सवाल पूछेंगे राम क्या खाता है, तो आम खाता है, साधारण भाषा में समझाने की बात है। अब आता है अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो इसमें क्रिया का फल जो है कर्ता पड़ता है। अपने भाषा में समझे तो कहेंगे कि जिसमें सवाल करने पर कि क्या खाता है या क्या करता है जवाब नहीं मिले, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि वह रोता है, वह रोता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर लगता है कि बच्चा सोता है, या फिर ऐसे होता है कि तुम हंसते हो। मैंने इतनी एग्जाम्पल लिया है। अब अगर इसमें हम सवाल पूछेंगे कि वह रोता है, मैं अगर हम सवाल पूछें कि वह क्या रोता है, वह क्या रोता है, तो इसका जवाब मिल पाएगा, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा।
बच्चा सोता है। अगर हम पूछे कि वह बच्चा क्या सोता है, तो इसका जवाब जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो है ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। तुम हंसते हो तो तुम क्या हंसते हो, ये कोई सवाल में सवाल है नहीं ना। तो ऐसे ऐसे जो क्रिया होते हैं जिसमें क्या का जवाब नहीं मिल पाता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से होता है, परिभाषा इसमें इस प्रकार से मैंने लिखा है, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, मतलब तो करने वाला पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिखाया है आपको, वह रोता है, रोता में जो है कौन रोता है, अगर पूछे कौन रोता है तो वह रोता है, ये सवाल सही है। क्या रोता है तो नहीं मिलेगा। एक टॉपिक और है इसमें, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, तो जब जो मेन क्रिया होता है, जो मुख्य क्रिया होता है, उसको पूरा करने में, उसको बनाने में जो सहायता करता है, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर लिखा हुआ है कि राम राम घर जाता है, ऐसा, तो राम घर जाता है, मुख्य मेन क्रिया कौन है, जाना है, जाता है। लेकिन ये जो है लगा हुआ है, ये क्या हुआ, सहायक क्रिया हुआ। अगर हम सिर्फ लिखे थे कि ऐसे लिखते कि राम घर जाता, तो क्या सेंटेंस सही बन पाता, नहीं है। ये जो है सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता। तो ये जो है लिखा लगा हुआ है वो सहायक क्रिया में आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें कि तुम किताब पढ़ रहे हो, ऐसे, तो यहाँ पे तुम किताब पढ़ रहे हो मेन क्रिया कौन है, पढ़ना, पढ़ रहे हो, पढ़ना की मेन क्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो रहे हो लगा हुआ है, रहे हो, ये इसका सहायक क्रिया है। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो मुख्य क्रिया को अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखा है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है, मतलब सहायता करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एग्जांपल आप यहाँ से देख रहे हैं, राम घर जाता है, तो ये जो है लगा हुआ लास्ट में, वो सहायक क्रिया हो गया। तुम किताब पढ़ रहे हो, यहाँ पर रहे हो, ये क्या है, ये हो गया सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्रिया। तो मैंने क्रिया को आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और मैंने सभी चीज़ को कवर किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो, तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और जोश जगता है कि और अच्छे से और अच्छे से समझा कर मैं वीडियो बना सकूँ। तो लाइक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, या और आप किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जो भी आपके रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हैं, सबको भेजिए, ताकि वो भी जो है पढ़ सके, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।